नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय मिलते हुए नजर आने वाले हैं करण, वो भी प्रीता से। हालांकि दोस्तों करण स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं राजवीर से कि तुम्हारी माँ कहाँ है, जिसके बाद में उन्होंने बोल दिया है कि वो तो फिलहाल मंदिर गई हैं, लेकिन दोस्तों आखिरकार वहाँ पर जाके मिलने का पूरा फुल ऑन प्लान बन चुका है। वहीं बात की जाए तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि निधि का जो एक रूप है वो सभी लोगों के सामने आने जा रहा है, क्योंकि निधि को लग रहा था कि न मुझे तो कोई एक्सपोज कर ही नहीं सकता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभी राजवीर तुम्हारे कितने पत्ते खोलेगा, और राजवीर जब पत्ता खोलेगा तो उसके बाद में इनके सबरे पत्ता और सब कुछ क्लीन बोल्ड होते हुए नज़र आने वाले हैं। वहीं दोस्तों इस समय करण को गुस्सा नहीं बल्कि इस समय सबसे ज़्यादा आखिरकार अपनेपन का एहसास होने लगा है प्रीता को देखने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्रीता को देखने के बाद में सभी चीज़ अलग ही क्रिटिकल, अलग ही सिचुएशन में नज़र आ रही है। हालांकि दोस्तों सभी लोग बेहद ज़्यादा टेंशन में थे कि आखिरकार होगा क्या और कैसे होगा, लेकिन दोस्तों सब कुछ धीरे धीरे अपने अनुसार बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत पहले ही इस चीज़ का सिचुएशन में डिसीजन हो गया था कि करण आखिरकार करण के हर एक फैसले में हर कोई उसका साथ देगा, और इस समय ऋषभ ने बोल दिया है कि करण तू मेरा भाई है और तेरे में हर एक फैसले के तेरे में साथ था, साथ हूँ और हमेशा तेरे हर एक फैसले में मैं तेरा साथ दूंगा। दोस्तों ये एक होती है सच्ची एक दूसरे के प्रति मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आने वाला है, जब आखिरकार निधि को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।